Hello student, today we will be solving a problem from class 10th, subject biology and the chapter name heredity and evolution. The question given here is DNA fragments are. तो इस क्वेश्चन में हमें डीएनए फ्रेगमेंट के बारे में पूछा गया है, लाइक डीएनए फ्रेगमेंट के ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है उसके बारे में यहाँ पे हमें पूछा गया है. तो हमें पता है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है, डीएनए, अगर यहाँ पे मैं डीएनए की सिंपली बात करूं तो डीएनए क्या है, इज द हाइड्रेटरी मटेरियल. डीएनए इज अ हाइड्रेटरी मटेरियल जो कि कहाँ से मिलता है, हमें पेरेंट्स से मिलता है, लाइक पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, दैट सो इसे बोला जाता है ये क्या है, हाइड्रेटरी मटेरियल है. इसी की वजह से हमें लाइक आधा कैरेक्टर हमारे फादर से आता है, आधा मदर से आता है, फिर जो डोमिनेंट होगा वो कैरेक्टर अपना शो करेगा, राइट. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें डीएनए फ्रेगमेंट की बात की गई है. तो देखिए, अगर मैं सिंपली एक डीएनए का स्ट्रक्चर बनाऊ तो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है सिंपली ऐसा, मींस डीएनए कैसा होता है हमारा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए. तो अगर इस डीएनए को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दू, एक फ्रेगमेंट में कर दू, तो इसी को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दू, तो उसी को हम बोलेंगे डीएनए फ्रेगमेंट. तो यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट, ये डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े की ही बात की गई है. तो डीएनए फ्रेगमेंट क्या होता है, डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट इज द सेपरेशन ऑफ ब्रेकिंग ऑफ डीएनए, ब्रेकिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स इनटू पीसेस, राइट. डीएनए फ्रेगमेंट का पीसेस के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, दैट इज द डीएनए फ्रेगमेंट. उसी को, इसी पीसेस को हम बोलते हैं डीएनए फ्रेगमेंट. तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें इसके ऊपर चार्ज के बारे में पूछा गया है. तो देखिए, जो डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स हैव, डीएनए मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज. अब नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि जो डीएनए होता है, डीएनए होता है उसके पास में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, बिकॉज बिकॉज ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप. जो सुगर का जो मॉलिक्यूल होता है, सुगर की जो फॉस्फेट सुगर होता है उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, ओके. तो हमें पता है कि लाइक ये जो डीएनए स्ट्रैंड होती है वो सुगर की, सुगर से न्यूक्लियोटाइड एंड द फॉस्फेट ग्रुप से बना होता है, राइट. तो उसी को हम बोलते हैं बैकबोन. सो फॉस्फेट ग्रुप इन देयर, इन देयर सुगर, सुगर फॉस्फेट बैकबोन, ओके. तो ऑप्शंस में मूव करते हैं. ऑप्शन फर्स्ट में हमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है पॉजिटिवली चार्ज. तो हमें पता है कि डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये तो होगा नहीं. नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, ये हो जाएगा न्यूट्रल, न्यूट्रल तो होगा ही नहीं क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है. डी ऑप्शन में दे रखा है इधर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज डिपेंडिंग ऑन देयर साइज, लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव साइज पे डिपेंड करता है. तो ऐसा इधर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज डिपेंडिंग ऑन देयर साइज, इस क्वेश्चन में बोला गया, इस ऑप्शन में बोला गया है कि जो चार्ज लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव है वो चार्ज साइज के ऊपर डिपेंड करता है, बट ऐसा नहीं है, राइट. क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से जो डीएनए फ्रेगमेंट होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, राइट. तो ये तो हम बोल सकते हैं हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल.